चलिए बना लेते हैं दही फुल्की की एकदम बढ़िया रेसिपी, जिसके की जो दही फुल्की होती है बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बनेंगी, गांठे बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि कई बार बनाने से क्या होती है ना, कई अंदर गांठे पड़ जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। दही फुल्की की एकदम आसान और बढ़िया रेसिपी, चलिए बनाना शुरू करते हैं। गाइस बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका अपने घर के में, मैं ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने कितना आसान तरीके से बनाना बताया है। सबसे पहले मैं बाउल, मैंने यहाँ पर बेसन लूँगी। बेसन आप मोटा पतला जैसा लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ जो आप पकौड़ों के लिए बेसन यूज़ करते हैं वो ही लीजिएगा। एक कप बेसन को हम बढ़िया से यहाँ पर छान लेंगे। छान करके लेंगे तो क्या होता है ना, इसमें गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर होती, या फिर मैं यूँ कहूँ कि नहीं पड़ती हैं। तो जब भी अगर आप बेसन को छान कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारा जो बैटर बनेगा बेसन का बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन करके निकल कर आएगा। तो यहाँ पर मैं एक कप बेसन लिया है, एक कप बेसन से हमारी बहुत ही अच्छी खासी दही फुल्की बन करके यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की बनाऊंगी, अगर आप बड़ी साइज़ की बनाएंगे तो दो कप बेसन आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर एक कप बेसन का यूज़ कर रही हूँ। चलिए छान लिया है, इसमें कुछ बेसिक से चीज़ें डाल लेते हैं, जैसे एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी डालेंगे हम हरी मिर्चें, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें थी, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं इसमें रेड चिली पाउडर भी डालने वाली हूँ। कुछ पाउडर मसाले डाल लेते हैं, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है। अगर आप एक मिर्च डालना चाहते हैं कोई भी तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार और हल्का सा पहले इसको मिक्स करेंगे ड्राई, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करते हुए इसको हम एक बैटर की फॉर्म में ले आएंगे। ये देखिए, जब आप कोई भी बैटर में थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे तो उससे क्या होता है ना, लम्स गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से फेंट लूँगी। बेसन का जब तक कलर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता, अभी थोड़ा डार्क कलर का है, हल्का सा लाइट कलर का ना हो जाए, जब तक कि हम इसको एक से दो मिनट के, या फिर ज़्यादा ज़्यादा तीन से चार मिनट के लिए हम इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। मैंने अच्छे से बेसन को अपने फेंट लिया है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर हमारा मेन इंग्रेडिएंट डलेगा, जिससे कि हमारी दही फुल्की की जो फुल्कियाँ होती हैं उसके अंदर बिल्कुल भी गांठे नहीं आएंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे पिंच ऑफ सोडा, मीठा वाला सोडा है जो खाने वाला सोडा होता है ना, बस वही यहाँ पर यूज़ किया है। इससे क्या होगा ना, फुली फुली हमारी पकौड़ियाँ बनेंगी दही वाली, और उससे अंदर गांठे भी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, एकदम सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट बनकर हमारी दही फुल्की बन करके तैयार होंगी। बेसन का बैटर हमारा यहाँ पर तैयार है, इसको मैं ढक करके साइड में रख दूँगी ताकि जो सोडा वगैरह डाला है वो अच्छे से रेस्ट कर पाए। एक काम हम साइड में और कर लेते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच ज़ीरा और कुछ लहसुन की कलियाँ और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है साबुत वाली, इसको आप चाहे तो ड्राई ही पीस सकते हैं या फिर थोड़ा सा फाइन डालकर भी पीस सकते हैं, टोटल आपकी चॉइस के ऊपर है। मैंने इसको एज इट इज़ ही पीसा है, आप कहेंगे इतना सा है कि मिक्सी के जार में ही चिपक गया है, तो ये ही हमारे लिए बहुत ही इनफ है। तो साइड में मैंने यहाँ पर एक बाउल में दो कप दही का यूज़ किया है, दो कप दही से अच्छी खासी हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी। तो दो कप दही हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे ना, अच्छे से फेंट लेंगे। ये मेरा घर का जमा हुआ दही है, आप खट्टा दही बिल्कुल भी ना यूज़ करें, एकदम फ्रेश दही का ही यूज़ करें। चलिए दही को बढ़िया से मैंने एक मिनट के लिए फेंट लिया है ताकि दही हमारी बढ़िया सी स्मूथ हो जाए। चलिए बढ़िया, दही हमारी बढ़िया से यहाँ पर फट करके तैयार हो गई है। अब इसको, जो दही हमारी बहुत ज़्यादा थिक है, गाढ़ी है, तो हमको इसको पतला करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे दूध। जी हाँ,
दूध अगर डालेंगे ना तो इस दही फुल्की का जो टेक्सचर है और जो खाने का टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर निकल कर आता है। तो यहाँ पर मेरे 2 कप दही के साथ 1 कप दूध लगा है। 1 कप दूध में अच्छी खासी यहाँ पर थिकनेस रही है मेरे दही की। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, जो हमने मसाला पीस के रखा था मिर्च लहसुन और ज़ीरे का, बस वही डाला है मैंने, आधा छोटा चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर तीखा चेक करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें नमक और अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले और नमक को, और बढ़िया से मिक्स करके इसको हम रख देंगे साइड में। ये हमारी होगी एक प्रिपरेशन तैयार। चलिए अब अपने बैटर को भी देख लेते हैं। बैटर हमारा बढ़िया से यहाँ पर सेट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर जो बैटर है एकदम पकौड़े जैसा करना है आपको, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा गाढ़ा। जैसे आप पकौड़े तोड़ते हैं ना, उस तरीके का यहाँ पर आपको अपना बेसन का बैटर रखना है। तेल अच्छा खासा यहाँ पर साइड में गर्म हो गया है। अब बनाते हैं। मैं यहाँ पर चम्मच से ले रही हूँ दही फुल्की तोड़ने के लिए। आप चाहे तो हाथ का यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह चम्मच से भी डाल सकते हैं। देखिए जैसे बैटर ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही मैं यहाँ पर बैटर डाल रही हूँ तो दूसरी तरफ से क्या हो रहा है ना, पकौड़े उठते ही तेल में फ्लोट कर रहे हैं यानी तैर रहे हैं। तो ऐसा बैटर हमको रखना है। एक एक करके आराम से डालते जाइए और थोड़ी सी फैला सा कढ़ाई में ही आप डाल लीजिएगा, क्योंकि थोड़े फूल करके डबल साइज़ की हो जाती है हमारी दही फुल्कियाँ, तो इनको स्पेस मिलना चाहिए पूरा कि ताकि फूलें अच्छे से। ये देखिए जैसे ही मैं डाल रही हूँ दूसरी तरफ वो उभर करके ऊपर तैरने लगी है। तो ऐसा ही हमको बैटर रखना है अपने बेसन का। एक एक करके मैं डाल रही हूँ, जितनी हमारी कढ़ाई में स्पेस है मैं अच्छे से इसको स्पेस को भर रही हूँ। ये देखिए बस इसी तरीके से एक एक मैं डालती जाऊँगी जितना स्पेस मेरी कढ़ाई में होगा, और बस इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से फूल कर अपने आप ही ऊपर आ गई हैं, हमको कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस 1-2 मिनट के बाद इसको आप अलटते पलटते अच्छे से फ्राई कीजिए जब तक इस पर अच्छा सा हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखिए एकदम फूली फूली हमारी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हुई हैं। ये देखिए लग रही ना कितनी बढ़िया, एकदम फूली फूली। चलिए अलटते पलटते रहिए जैसे ये, क्योंकि हल्की ऊपर होकर ऊपर आ गई है जल्दी, तो बस जल्दी जल्दी इसको चलाते रहिए और इवनली कलर आने तक इसको बढ़िया से फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा डार्क कलर हमको नहीं करना है, दही फुल्की में क्या होता है ना हल्का सा गोल्डन कलर रहता है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं रहता है, तो बस इतना ही डार्क कलर हमको चाहिए। ये देखिए इसको अच्छे से हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और इसी तरीके से मैं अपना सेकंड बैच भी यहाँ पर तैयार करूँगी। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, तो इसी तरीके से मैं अपना सारे बैच बना करके तैयार कर लूँगी। इसको आपको गरम गरम यूज़ नहीं करना है, अच्छे से 10 मिनट के लिए प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अच्छे से ठंडा होने चाहिए ये, तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। प्रॉपरली ठंडी हो गई हैं, बिल्कुल भी गर्म नहीं चाहिए हमको। अब हमको क्या करना है, ये ठंडी तो हो गई है, अब हमको एक बाउल में पानी लेना है। पानी यहाँ पर मेरा रूम टेम्परेचर वाला है, कोई गर्म वगैरह पानी नहीं है मेरा यहाँ पर। थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाले हैं, थोड़ी सी मैं हींग डालूंगी। धनिया पत्ते डालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। मैंने सिर्फ अच्छे लुक के लिए डाला है ये धनिया, और इसमें हम अपनी पकौड़ियाँ डाल देंगे बेसन वाली और अच्छे से इसको डिप कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो दही फुल्कियाँ हैं एकदम सुपर स्पॉन्ज बनेंगी, क्योंकि ये अच्छे से फूली तो हुई हैं लेकिन ये अच्छे से इसमें पानी में डिप करके 10 मिनट के लिए हमको उसको छोड़ देना है। ये देखिए मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और 10 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे कितनी ज़्यादा सुपर सॉफ्ट हो जाएगी। और जब हम इसको दही में डालेंगे ना, तो ये दही में जाने के बाद गांठें अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, एकदम सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारी यहाँ पर पकौड़ियाँ बन करके तैयार होंगी। तो ये वाला स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है। बस ध्यान रखना है कि गरम गरम नहीं डालनी है, पकौड़ियों को अच्छे से ठंडा करके डालना है, वो भी रूम टेम्परेचर वाले पानी में। मैंने इसको छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। आइए चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी से फूल गई हैं, साइज़ में भी डबल हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से निचोड़ देना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं पानी में जाने के बाद। ये देखिए
एक एक करके हमको निचोड़ना है, एक एक करके निचोड़ना है। ये नहीं है कि आपने इसका हलवा बना देना है, हल्के हल्के हाथों से निचोड़ना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए बस हल्के हल्के हाथों से मैं यहाँ पर एक एक करके आसानी से सारी की सारी पकौड़ियों को निकाल करके एक अलग प्लेट में रख लूँगी। तो सारी की सारी मैं इसी तरीके से अच्छे से हल्के हल्के हाथों से निचोड़ करके एक दूसरी प्लेट में डाल देंगे। चलिए अब हमारा जो दही का बैटर था वो भी एकदम परफेक्ट है, मिक्स कर लेते हैं एक बार। और जो हमारी यहाँ पर पकौड़ियाँ थी इनको भी डायरेक्ट डालते हैं अपने दही वाले बैटर में, सारे के सारे डाल देते हैं। और इसको एक बार हम यहाँ पर एक मिक्स दे देते हैं एकदम हल्के हाथों से, क्योंकि जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो एकदम सुपर सॉफ्ट हो गई हैं। अब ये दही में जाकर बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ेंगी, एज इट इज़ ही रहेंगी। अब इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें ऑयल, ऑयल को गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा जैसा ही बढ़िया से तड़क जाएगा थोड़ी सी डालेंगे हींग और दो से तीन साबुत लाल मिर्चें। जैसे ही हल्का सा तड़क जाएं गैस को बंद कर देंगे, उसको ज़्यादा हम लाल नहीं करेंगे। सीधा चलते हैं अपने बाउल में और इसको दही के ऊपर अच्छे से डाल देंगे। और ये हो गई है हमारी दही फुल्की बढ़िया सी इंस्टेंट तैयार। लग रही ना तड़का लगाकर एकदम बढ़िया, ये देखिए क्या मस्त बन करके तैयार हुई है। तो बस आप इसको सर्व कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिस भी चीज़ के साथ आप इसको शेयर करना चाहते हैं या फिर बनाकर खाना पसंद करेंगे। आई होप ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी इस रेसिपी को आप कौन से शहर से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मैं हर एक का रिप्लाई ज़रूर दूँगी ताकि मैं भी तो देखूँ मेरी ये वीडियो कौन कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कर सकूं। मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।